अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज अकबर अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड नाइन टुडे आर टॉपिक इज एंड डिटरमिनेंट्स लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व किया था आज के लेक्चर में क्रैमर्स रूल से इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर वन को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया था आज के लेक्चर में हमने इसी क्वेश्चन को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है अब इसमें पार्ट वन में हमें दो लीनियर इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स में गिवन हैं। अब फर्स्ट स्टेप सेम वही होगा जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड में किया था इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म अब मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले कोफिशेंट्स का मैट्रिक्स आएगा एक्स का कोफिशंट टू और y का कोफिशियंट माइनस टू है फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशंट थ्री है y का कोफिशियंट टू है तो थ्री टू आ जाएगा ये कोफिशंट्स का मैट्रिक्स आ गया इन टू वेरिएबल्स का मैट्रिक्स दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यूज का मैट्रिक्स फोर एंड सिक्स अब जो कोफिशियंट का मैट्रिक्स है इसको एल एट कर लेंगे ए इज इक्वल टू टू माइनस टू थ्री टू वेरिएबल्स के मैट्रिक्स को एक्स लेट करेंगे एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म्स के मैट्रिक्स को बी लेट करेंगे फोर सिक्स अब सबसे पहले फार्मूलाज लिखेंगे यहाँ पे क्रैमर्स रूल में दो फॉर्मूलाज यूज होंगे x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट अब यहां पे भी स्टूडेंट्स हम सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आएगा तो इक्वेशंस का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा और अगर जीरो के इक्वल नहीं आएगा तो फिर हम ए एक्स का मैट्रिक्स और ए वाई का मैट्रिक्स बनाएंगे और उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करके इन फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी जी स्टूडेंट्स अब ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ए मैट्रिक्स है हमारे पास टू माइनस टू थ्री टू डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें टू मल्टीप्लाई बाय टू फोर माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें तो माइनस सिक्स आ जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस सिक्स हो जाएगा तो फोर प्लस सिक्स टेन वैल्यू आ जाएगी ए डिटर्मिनेंट की अब चूंकि ए डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आया लिहाजा हम इसका सोल्यूशन करेंगे अब ए एक्स मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं ए एक्स में हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है इस ए मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम की जगह हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे और सेकंड कॉलम इज आएगा तो बी मैट्रिक्स फोर और सिक्स है तो फर्स्ट कॉलम की जगह फोर सिक्स लिख दिया सेकंड कॉलम माइनस टू और टू इज आ गया इसी तरह ए वाई मैट्रिक्स बनाएंगे ए वाई मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम ए मैट्रिक्स का जो है टू थ्री ये एज इज आ जाएगा और सेकंड कॉलम माइनस टू और टू की जगह पे बी मैट्रिक्स वाला कॉलम फोर सिक्स लिखेंगे अब इन दोनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करके फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट कर देंगे तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए एक्स के मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के सिंबल के साथ लिखेंगे फोर माइनस टू सिक्स टू अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें फोर टूज आर एट माइनस नॉन डायगनल एंट्रीज माइनस टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स माइनस ट्वेल्व हो जाएगा तो ये प्लस ट्वेल्व आ जाएगा एट प्लस ट्वेल्व को सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट ट्वेंटी आ गया अब ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए वाई मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के सिंबल के साथ लिखेंगे टू फोर थ्री सिक्स अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें तो टू सिक्स दार ट्वेल्व माइनस नॉन डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें तो फोर थ्री दार ट्वेल्व आ गया और ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो के इक्वल आ गया अब x इज इक्वल टू एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर आया है ट्वेंटी डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हमारे पास टेन अब टेन और ट्वेंटी की कटिंग हो जाएगी तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टू टेन वन हजार टेन टेन टू ट्वेंटी इसी तरह y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर आया था हमारे पास जीरो डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू टेन है तो जीरो डिवाइडेड बाय टेन करें तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जीरो अब लास्ट में सोल्यूशन सेट लिखेंगे x की वैल्यू टू है और y की वैल्यू जीरो है तो टू और जीरो सोलूशन सेट में x और y की वैल्यूज आ जाएंगी तो ये स्टूडेंट्स इन इक्वेशन का सोल्यूशन हमने फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल जी स्टूडेंट्स अब पार्ट फोर सॉल्व करते हैं पार्ट फोर में भी हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है सबसे पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म कोफिशेंट्स का मैट्रिक्स थ्री माइनस टू फाइव माइनस टू इनटू वेरिएबल्स का मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स माइनस सिक्स माइनस टेन अब लेट कर लेंगे कोफिशेंट्स के मैट्रिक्स को ए लेट करेंगे थ्री माइनस टू फाइव माइनस टू वेरिएबल्स के मैट्रिक्स को एक्स लेट करेंगे एक्स वाई और राइट right साइड पे कांस्टेंट टर्म्स के मैट्रिक्स को बी लेट करेंगे माइनस सिक्स माइनस टेन अब एक्स और वाई का फॉर्मूला लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट अब सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं ए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के सिंबल के साथ लिखेंगे थ्री माइनस टू फाइव माइनस टू सॉल्व करेंगे इसको डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स माइनस माइनस टू इंटू फाइव माइनस टेन तो ये प्लस टेन हो जाएगा तो टेन माइनस सिक्स को सिंप्लीफाई करें तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फोर आ गई अब ए एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे ए मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम की जगह बी मैट्रिक्स का कॉलम आ जाएगा तो माइनस सिक्स माइनस टेन और सेकंड कॉलम एज इज आएगा माइनस टू माइनस टू फिर ए वाई का मैट्रिक्स लिख लेंगे ए वाई के मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम एज इट इज आएगा और सेकंड कॉलम की जगह बी मैट्रिक्स वाला कॉलम लिखेंगे माइनस सिक्स माइनस टेन अब ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे ए एक्स के मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के सिंबल के साथ लिखेंगे अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें माइनस सिक्स इंटू माइनस टू प्लस ट्वेल्व माइनस माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टेन प्लस ट्वेंटी तो ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी वैल्यू आ जाएगी माइनस एट अब ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए वाई मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के सिंबल के साथ लिखेंगे थ्री माइनस सिक्स फाइव माइनस टेन अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट माइनस थर्टी आ जाएगा माइनस नॉन डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट माइनस थर्टी आया और माइनस ऑलरेडी यहां पे है तो ये प्लस थर्टी हो जाएगा तो माइनस थर्टी प्लस थर्टी का रिजल्ट जीरो आ जाएगा अब स्टूडेंट्स ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हमारे पास माइनस एट और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है फोर तो माइनस एट डिवाइडेड बाय फोर तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस टू फोर वन दर फोर फोर टू दर इसकी कटिंग हो जाएगी अब वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जीरो और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है फोर तो जीरो डिवाइडेड बाय फोर तो वाई की वैल्यू हमारे पास जीरो आ गई अब सोल्यूशन सेट लिखेंगे एक्स की वैल्यू माइनस टू और वाई की वैल्यू जीरो स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस का सोलूशन होगा जी स्टूडेंट्स अब पार्ट सेवन सॉल्व करते हैं पार्ट सेवन में भी हमें दो इक्वेशंस गिवन है इन इक्वेशन को सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म कोफिशेंट्स का मैट्रिक्स टू माइनस टू माइनस फाइव माइनस टू इन वेरिएबल्स का मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म्स का मैट्रिक्स फोर माइनस टेन अब कोफिशियंट्स के मैट्रिक्स को ए लेट कर लेंगे लेट ए इज इक्वल टू टू माइनस टू माइनस फाइव माइनस टू वेरिएबल्स के मैट्रिक्स को एक्स लेट करेंगे एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म्स का जो मैट्रिक्स है इसे बी लेट कर लेंगे फोर माइनस टेन अब फॉर्मूलाज लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट अब सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं ए मैट्रिक्स है हमारे पास टू माइनस टू माइनस फाइव माइनस टू डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाएंगे डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें टू इंटू माइनस टू माइनस फोर माइनस नॉन डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट प्लस टेन आ जाएगा तो माइनस फोर माइनस टेन आ गया इसको सिंप्लीफाई कर लें तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए डिटर्मिनेंट की माइनस फोर्टीन अब ए एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे ए एक्स मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए में फर्स्ट कॉलम की जगह बी मैट्रिक्स वाला कॉलम आ जाएगा फोर माइनस टेन सेकेंड कॉलम एज इट इज आ जाएगा माइनस टू माइनस टू ए वाई मैट्रिक्स लिखेंगे ए वाई मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम एज इट इज आएगा सेकंड कॉलम की जगह बी मैट्रिक्स लिखेंगे फोर माइनस टेन अब ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे फोर माइनस टू माइनस टेन माइनस टू इसको हमने डिटर्मिनेंट के सिंबल के साथ लिखा अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं डायगनल एंट्री इसको मल्टीप्लाई करें फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस टू माइनस एट माइनस माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टेन ट्वेंटी आ जाएगा तो माइनस एट और माइनस ट्वेंटी को सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट माइनस ट्वेंटी एट आ गया अब ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए वाई मैट्रिक्स है हमारे पास टू फोर माइनस फाइव माइनस टेन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें टू इंटू माइनस टेन माइनस ट्वेंटी माइनस फोर इंटू माइनस फाइव माइनस ट्वेंटी तो माइनस ऑलरेडी यहां पे है प्लस ट्वेंटी हो जाएगा इसका रिजल्ट आ गया जीरो अब ये वैल्यूज इन फॉर्मूलाज में पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हमारे पास माइनस ट्वेंटी एट और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस फोर्टीन माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा फोर्टीन टू जा ट्वेंटी एट एक्स की वैल्यू टू आ गई इसी तरह ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस फोर्टीन वाई के फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट ए वाई डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल है और ए डिटर्मिनेंट माइनस फोर्टीन के इक्वल है जीरो डिवाइडेड बाय माइनस फोर्टीन करें तो रिजल्ट जीरो आ गया सोल्यूशन सेट लिखेंगे एक्स की वैल्यू टू और वाई की वैल्यू जीरो स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस का सोलूशन होगा तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज वन पॉइंट सिक्स में ग्रामर्स रूल समझा जो पार्ट्स मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज